या इसी में आता है कोडिंग डिकोडिंग, कई पार्ट है पूरा, तो ये सब मिला के कम से कम 3 to 5 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। ठीक है, ये इसका वेटेज है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कितना है आपका वेटेज? 3 to 5। हाँ, आवाज़ कम नहीं है, थोड़ा सा आप वॉल्यूम तेज़ कर लो अपना, आवाज़ कल के जैसा ही है। ठीक है, और जल्दी जल्दी शेयर करो, अभी 14 ही लोग ज्वाइन हुए, 20-25 जैसे कल आए थे उतना तो आओ कम से कम, और एक्सपेक्टेशन तो हमारा ज़्यादा है, 50-50 आओ कम से कम, क्योंकि वी आर गिविंग फ्री लेक्चर्स, सो फ्री में तो कोई चीज़ हर एक को एक्सेप्ट ही होना चाहिए। तो 3 to 5 क्वेश्चंस इसमें से रहते ही है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। तो कोडिंग में सबसे पहले आप बेसिक जो रूल होता है इसका, आपको अल्फाबेट के नंबर याद होना चाहिए, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, इसी तरह जेड का 26 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट का नंबरिंग, और इसका कुछ ट्रिक्स वगैरह भी होता है, तो जैसे ई का 5 हो गया। ठीक है, इसे याद रखना है आपको, तो ए टू जेड हो जाएगा ये पूरा। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवर्स ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है ए, यहाँ से ए शुरू करेंगे, वहाँ से जेड, मतलब ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, बी का हो जाएगा वहाँ से बी, यहाँ से वाई, सी का हो जाएगा एक्स, डी का हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, ई का हो जाएगा वी, एफ का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा टी, एच का हो जाएगा एस, आई आर जे क्यू, के का हो जाएगा पी एल, और एम का एन, इसको बोलते हैं लोग रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपके। ठीक है, एल का ओ, हाँ ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर, और ये होता है अपना नंबरिंग। ठीक है, ये आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग पता होना चाहिए, जैसे अगर एक्स का बोल देंगे 24, पी का 16। ठीक है, तो ये पूरा नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, और रिवर्स ऑर्डर जो होता है अपना, ए टू जेड बी वाई। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, अच्छे से उसको लर्न भी कर लेना, कुछ ट्रिक्स वगैरह होता है वो बाद में बता दूंगा मैं, शॉर्टकट ट्रिक, अभी शॉर्टकट में नहीं जाना है, अपने को याद करना है। ठीक है, ए टू जेड बी वाई सी एक्स करो, ऐसा डी यू, अच्छा एक वर्ड याद कर लो आप, जिसको बोलते हैं हम लोग लव, एल ओ वी ई, तो एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। ठीक है, ये लिख लो, एक शॉर्टकट रहेगा। आई आर जो होता है, आप यहाँ से इंडियन रेलवे याद कर सकते हो। ठीक है, ये अपना ट्रिक बना सकते हो, कुछ भी ये आपके ऊपर होता है। जी टी होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड होता है, जी टी रोड जो होता है वो लिख सकते हो। ठीक है, हाई स्कूल बोल सकते हो इसको, एच एस, 4U बोल सकते हो इसका, ऐसे बहुत सारा बना सकते हो आप। किंग्स इलेवन पंजाब अपनी टीम है, लव मैन जंगल क्वीन, ठीक है, ये कुछ भी बना सकते हो अपना ट्रिक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक का अलग अलग ट्रिक होता है, जिसको निमोनिक्स बोला जाता है। ओके, तो ये ओवरऑल बेसिक हो गया। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के ऊपर, और कोडिंग डिकोडिंग में यही आता है कि कोड के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, उसको आपको कोड ब्रेक करना रहेगा। इतना डेंजर वर्ड कहाँ से लाते हो आप लोग? फातिमा जी बोल ले, JQ का अगर जेब कतरा। हाँ भाई, बना सकते हो आप, आपके ऊपर है वो जेब कतरा, थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा वो। अच्छा, DW दिलवाले, वाह, एक से एक लोग है भाई हमारे ग्रुप में।
चलो अच्छी बात है, ये डिपेंड करता है आपको कैसे आप लेकर आते हो। हाँ सिलेबस तो मैं डिस्कस किया हूँ ना सर, आरके सर जो बोल रहे हो, ठीक है। कल का जो लेक्चर है आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कल का लेक्चर है वो देख लो, जिसको सिलेबस का पता करना है वो कल का वीडियो देख लो, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल द सिलेबस, मैथ्स एज वेल एज रीजनिंग बोथ, ठीक है। सो बेसिक इतना ही है, तो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं हम लोग। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो, तो हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। नो ना, तो क्वेश्चंस ले लूँ मैं कुछ। आवाज़ देखो नॉर्मल है, सबको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर किसी को हो रही है तो उनका थोड़ा डिवाइस का इशू हो सकता है, बाकी यहाँ पे सब कुछ ओके है। शैल आई मूव? जी सर, देखा हूँ लेक्चर, बट सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या? सॉफ्ट कॉपी क्या होता है भाई? आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाओ, दैट्स ओके। अब इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, अब इतना भी नहीं हो सकता आपको, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दैट्स इट। वो वही हुआ सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, ये देखो ये अल्फाबेट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसका बताना है कि क्या रिलेशन आ रहा है इसके अंदर। इसको अनालॉजी भी टाइप भी बोलते हैं इसको हम लोग, ये इस क्वेश्चन को हम लोग अनालॉजी टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इट्स ओके। चलो देखो, जैसे ये ए ए का जो रिलेशन बी से है, वही रिलेशन सी का आपको डी से निकालना है, इसको बोलते हैं एनालॉजी। ओके, ए इसको ए बोला जाता है, ए का जो रिलेशन बी में है वही रिलेशन आपको सी से डी में निकालना है, एंड दीज आर द ऑप्शंस। ओके ट्राई करो। चलो मैं 2 मिनट का, 2 मिनट मत, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, जो लोग लेट आए हैं सबको वालेकुम अस्सलाम, और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। अच्छा सबसे पहले आ रहा है टेक्नोलॉजी टीच सी आंसर। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा ए भी आ रहा है, ए आ रहा है, सी भी आ रहा है। ओके ए और सी में लड़ाई चल रही है, देखते क्या होना चाहिए। देखो अभी मैं आपको बताया कि आपको अल्फाबेट का ऑर्डर पता नहीं, तो यहाँ पे देखोगे आपका ए टू जेड आ रहा है, बी टू वाई आ रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे आना चाहिए जी और आना चाहिए एच, जी और एच। तो जी और एच कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है? देखो जी जी तो सब, देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है, जी यहाँ है, जी यहाँ है। उसके बाद एच देख लो, तो एच यहाँ पे है, एच यहाँ नहीं है, एच यहाँ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ये तो हो गया एकदम फास्टेस्ट मेथड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग एग्जाम में अप्रोच ये होना चाहिए कि आपने एलिमिनेशन ऑप्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ मेथड, ठीक है, विद इन 5 सेकंड के अंदर जो बोलते हैं आंसर आता है वो मेथड है, ये एलिमिनेट कर दिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप लॉजिक लगाना, देखो ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का डी का डब्ल्यू, तो जी का क्या बताया था, जी टी रोड बताया था मैं, तो जी ओ टी हो गया, और एच का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड और हाई स्कूल। तो ये रिवर्स ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये लेवल थोड़ा इजी है, ठीक है, तो अपन इजी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ लोग यहाँ पे हैं जो एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिगिनर्स, तो सबको लेके चलना है अपने को। तो ये एवरेज लेवल क्वेश्चंस था, नॉट अ डिफिकल्ट और ना बहुत इजी है,
ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और उसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी पता चल गया होगा। तो आपको सबसे पहले ये लॉजिक समझना है, उसके बाद एलिमिनेट करके निकालना है आंसर। एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो पूरा पूरा आंसर सॉल्व करो आप, कोई इशू नहीं है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू। ये देखो, अब ये क्वेश्चन 2017 का है, प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है ये, तो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, तो 2017 में इस तरह के क्वेश्चन आया था, तीनों लैंग्वेज में एक साथ था, मराठी हिंदी इंग्लिश, तीन लैंग्वेज में पेपर आया था। इस बार भी वैसे आया था आप, लेकिन इस बार कैसा था कि एक साथ नहीं था, वो आपको चेंज करना पड़ सकता था। ठीक है, हाँ आई एम न्यू स्टूडेंट, हाँ ठीक है, न्यू हो आप, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप हमारे क्लास से जुड़े रहो, और अपने फ्रेंड्स में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपकी इसमें तैयारी कर रहे उनको भी शेयर करो। ठीक है, डेली 9 बजे हमारा लेक्चर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, जो भी रहेगा हम लोग एक वन डे बिफोर इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ठीक है, आज तो रीजनिंग है, कल कल मैथ्स ही रहेगा। ठीक है, कल मैथ्स रहेगा। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं अपने ग्रुप्स में शेयर करो अच्छे से, क्योंकि फ्री लेक्चर्स हो रहा है तो बहुत बेनिफिट होने वाला आपको। तो हम लोग 8 से 10 दिन या जो भी होता है पूरा महीना हम लोग कोशिश करेंगे कि एंड तक पढ़ाएं इन लोग उसको। ठीक है, और आपको पूरा अगर बैच ज्वाइन करना है तो हमारा बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पूरा 3 महीना चलेगा, फुल डिटेल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, A to Z ऑल सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर, रीजनिंग, मैथ्स, मराठी, इंग्लिश, पैडागोजी, ऑल सब्जेक्ट पूरा इन डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, जो हमारा 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ऐप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, और नंबर पे भी आप बात कर सकते हो, मैसेज वगैरह डाल सकते हो अगर पर्सनल बात करना है। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉलिंग अवॉइड करो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो, ये 2017 का आंसर था, क्वेश्चंस था, तो आंसर सबका ए आ रहा है। लेट्स सी क्या होना चाहिए आंसर इसका। ऑलमोस्ट आंसर ए दे रहे सब लोग, तो एफ के बाद जे, पी के बाद क्या आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन है, एफ के बाद जे, कितने का गैप हुआ है। तो अभी मैं आपको नंबर बताया था, एफ होता है 6 और जे होता है 10। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको नंबरिंग के लिए, एक ये याद कर लो आप, ई जो टी, बहुत ये सिंपल एक दो होता है, एक वर्ड आपको याद रखना है, ई जो टी। ठीक है, ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है टी ट्वेंटी, और वाई का 25, 5 का टेबल है ये, ई जो टी, ये याद कर लो आप। तो देखो, 6 के बाद 10 हो रहा है, तो पी के बाद क्या होना चाहिए, पी होता है प्रिंस 16 साल का था, इसे याद रखो, प्रिंस 16। पी के बाद देखो, अब 6 के बाद यहाँ पे 4 का ऐड हुआ है, कितना हुआ है, 4 ऐड हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 6 4 10 हो गया, 16 4 20, यहाँ पे कितना प्लस 4 होना चाहिए, 20 का मतलब होता है टी। तो अपना आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, टी से होगा। तो देखो, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, टी के बाद बी है, वी है, यहाँ पे वी है। अब देखो, या दूसरा चेक मत करो डायरेक्ट, आप क्या चेक करो, तीसरा वाला चेक करो, क्योंकि देखो यहाँ पे टीवी और ये टीवी दोनों में कॉमन है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अपना आंसर इससे आएगा, एस आएगा कि यू आएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अब तीसरा यहाँ पे ई है, ई होता है 5 और आई होता है 9, आपस से 4 हो रहा है। ठीक है, तो ओ कितना होता है, ओ 16 होता है और ये प्लस 4, चार। ठीक है, 15 होता है, 15 और 4 19, 19 मतलब क्या होता है, एस होता है, तो यहाँ पे एस आएगा, TVS के बाद यू, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। तो जिन लोग ने ए आंसर दिया था सबका आंसर करेक्ट है। अप्रोच ये हो रहा है कि हर एक अल्फाबेट में अपना 4 4 4 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, S19 आ रहा है, हाँ सही बात है, आमिर, आमिर कोई है, S19 बोल रहा है। ठीक है, तो आपने आमिर सर, मुझे लगा वो भी लाइव देख रहे क्या, आंसर दे रहे क्या, मुझे लगा नहीं कोई और होगा। चलो, O15 होता है, हाँ ठीक है, O15 होता है। ठीक है, इजोटी याद हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चंस थे ये। ठीक
ठीक है, 2017 क्वेश्चन नहीं है, देखो लो इस तरह के जैसे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखो तीनों लैंग्वेज में, ये समझ जाना आपको कि ये 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। 22 का हम लोग ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल होता है अप्रैल मई मई जून तक अगर पीडीएफ वगैरह मिलता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 22 का जो पूरा पीडीएफ मिल जाए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको, बहुत सारा फायदा होगा। अगर नहीं भी मिलता है तो हम लोग गेस्ट पेपर भी हम लेकर आएंगे, कोई बात नहीं है, बहुत से लोगों ने पेपर दिया था तो कहीं ना कहीं से कुछ तो हिंट मिल जाएगा अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई करेंगे ला के देंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का जो मेथड होता है यही होता है कि हम प्रीवियस ईयर को लेके चले, उसके बेस पे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके गॉट इट, नेक्स्ट ले लेते हैं। ये भी 17 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इसलिए ले रहा हूँ कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि एक लेवल जो होता है क्वेश्चन पूछने का किस तरह का होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस बार जो 24 में होने वाला थोड़ा सा लेवल अप करके देगा, अगर आप इसको इजी लेवल बोल रहे हो तो आगे चल के जो 22 में आएगा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं उसको, नॉट अ टफ। ये ले लो, ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैं स्क्रीन आपको, देखो ए के बाद दिया हुआ है ई, ई के बाद डैश है, क्वेश्चन मार्क समझो, उसके बाद एम है, तो बीच में क्या आएगा, वी ऑप्शन है आपका, वी आई यू आर, तो 25 इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, क्वेश्चन बड़ा कर, हाँ कर दिया, कर दिया मैं, तो जाहिद जी बोल रहे आई आएगा, बी बी 5 का डिफरेंस आ रहा है, अच्छा ठीक है, 5 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, ए और ई में देखो ए का नंबरिंग अगर आप करोगे तो ए का होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 13, ये मैं नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब एम कैसे याद रखोगे, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ठीक है, एम को कैसे याद रखना है, एम का 13 होता है ना, मेरा तेरा, दैट्स इट, ये सिंपल ट्रिक हो गया, तो एम का 13 होगा, 1 से 5 कितना फर्क हो रहा है, 4 का, ठीक है, 4 इसमें अगर 4 और करो 9 होना चाहिए, ठीक है, 5 और 4 9, तो 9 पे क्या होता है, 9 पे होता है आई, अब इसको याद कैसे रखोगे, आई नो बोलते हैं ना, आई नो, आई 9, तो आई नो, ये ट्रिक होता है याद करने का, ओके हाँ, डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस 4 है तो आंसर विल बी 9, 9 का मतलब होता है आई, तो आई नो ये आपका आंसर होगा, आई ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। देखो आवाज़ एकदम क्लियर है, आप थोड़ा सा आप अपना डिवाइस का थोड़ा सा कुछ सेटिंग चेंज करो या एयरफोन वगैरह यूज़ करो, यहाँ पे लाइव ओके है, सब कुछ ओके है, कुछ प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, ये भी 17 क्वेश्चन है, देखो इस तरह के लेवल रहता है, जो 19 में भी आया था ये भी, जो 22 में आया था ये ऐसे ही लगभग था कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा था, बस आपको नंबरिंग अच्छे से पता होना चाहिए और रिवर्स ऑर्डर पता होना चाहिए और क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है, पैटर्न आपको समझने आना चाहिए। ओके ऑडियो क्लियर है, जल्दी से बोल दो सब लोग, क्योंकि कैसा है अभी आजकल नेटवर्क का भी बहुत इशू चल रहा है, आपको पता ही होगा बीच बीच में नेटवर्क गायब हो जा रहा है। ना क्वेश्चन दिख रहा है ना आंसर, अरे भाई अब कैसे दिखाएं हम लोग, ना क्लियर तो है, लोग आंसर दे रहे हैं तो बिना दिखे तो आंसर दिए नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ले लो, चलो मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इट्स ओके, ये भी 2017 क्वेश्चन है, 2017 क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है,
यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। नाउ इट्स ओके। चलो बताओ पी के एंड क्यू क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर। फास्ट कराओ सर, सबको लेके चलना पड़ता है मैम। चलो इसका आंसर तो फास्ट कराने बोल रहे हो, चलो बताओ। बी, जाहिद भाई बोल रहे बी। ओके के आना चाहिए। ओके बाकी लोग, बाकी लोग कहाँ गए भाई? फातिमा के, लॉजिक क्या है इसके अंदर? 17 टोटल अपोजिट, क्या लॉजिक है? अच्छा अपोजिट टोटल 17 हो रहा है, ये बोलना चाह रहे हो आप। जुबैर अंसारी का भी आंसर आ रहा है के, ठीक है बोल, 17 आना चाहिए। देखो नंबरिंग अगर करोगे तो इसका एक हो रहा है, इसका 16 होता है, इसका 7 होता है, इसका 10 होता है, इसका 6 होता है। तो आप अपोजिट का टोटल करोगे तो 1 प्लस 16, 17 हो रहा है, 10 प्लस 7 17, ये भी हो रहा है, तो ये 6 और ये यहाँ पे 11 11 6 17 होना चाहिए। 11 मतलब क्या बताया था? किंग्स 11 पंजाब, एक टीम थी अपनी किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ऐसे याद रखो आप, किंग्स 11 पंजाब। तो के तो टोटल 17 हो रहा है, सही बात है, सबका आंसर सही आ रहा है। जैनब का क्यू आ रहा है, जाहिद भाई का क्यू आ रहा है, जुबैर का के आ रहा है, सही बात। तो आंसर विल बी बी के, ठीक है। तो देखो ये लेवल होता है, अगर आपको नंबरिंग अच्छे से पता है, आपका रिवर्स ऑर्डर वगैरह आपने क्लियर करके रखा है, तो आंसर इजीली आप इसका फाइंड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्लियर में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलो ये बताओ अभी भाई, ठीक है जिन लोगों को प्रॉब्लम होती देखने में, आई थिंक नहीं होना चाहिए अभी। देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2z 7y 14x9 23 34, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है बताओ। सो यू हैव 20 सेकंड, देखो अल्फाबेट के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं सब कराने की कोशिश करूंगा। देखो ये तो बिगिनर्स है एकदम इनिशियल लेवल का जो करा रहा हूँ मैं, इसके बाद मैट्रिक्स वगैरह का क्वेश्चन आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग में इंक्लूड है, उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग आता है, उसके बाद जंबल सीरीज टाइप होता है वो रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हर क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो आज ये जो बेसिक लेवल है जो आपका अल्फ़ाबेट मिसिंग रहता है वो करा रहा हूँ मैं, सारे टाइप कराऊँगा, यू डोंट वरी, ठीक है। और लेवल अच्छा कराऊंगा, मतलब जीरो से लेके हीरो तक बोलते हैं ना, वो इजी टू हाई लेवल तक। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है भाई, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्या क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, इतना भी हार्ड नहीं है। जब तक एक भी आंसर नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबसे पहले आमिर ने दिया है आंसर सी, ओके वेरी गुड। जुबैर का भी आंसर आ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ा दो बस। हाँ हाँ ये नेक्स्ट स्टेप ये भाई, ये थोड़ा
थोड़ा सा अप हो गया, सी आंसर। ठीक है, देखो आपका जो लेवल रहने वाला है, जो सीजीएल टाइप का होता है ना, सीजीएल या एनटीपीसी रेलवे का होता है, ये लेवल आपका रहने वाला है, समझ गए? जो ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे सीजीएल हो गया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी जो ग्रेजुएट होता है, उन लेवल का जो आपका कोडिंग डिकोडिंग रहेगा वो रहेगा। आप समझ जाओ कि लेवल क्या रहने वाला है आपका। मेरा आंसर नहीं, मेरा आंसर है सर, अच्छा ए है सर, अच्छा ए भी आ रहा, सी भी आ रहा, लेट्स सी क्या होना चाहिए। सो देखो सबसे पहले नंबर देख लेते भाई, नंबर का क्या झोल है, क्योंकि अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। देखो दो के बाद सात है, कितने गैप आ रहा है, पाँच का, दो पाँच सात, सात के बाद चौदह आ रहा है, मतलब गैप कितने का हो रहा है, सात सात चौदह, सात, पाँच के बाद सात हो रहा है, ठीक है। अब लॉजिक क्या कहता है, नौ होना चाहिए, देख लेते, चौदह नौ कितना होता है, तेईस, 23, ऑब्वियसली 23 है, तो नाइन का गैप हो रहा है, नाइन ऐड हो रहा है, नाइन के बाद कितना आएगा, ऐड होना चाहिए 11, और 11 के बाद यहाँ पे ऐड होना चाहिए 13, ठीक है, 11 के बाद 13, तो 34 + 13 सेवन, 47, तो अपना आंसर 47 रहेगा। तो 47 तो देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 47 ए और सी में है, ए और बी में है, ठीक है, 47 आएगा। अब नंबर ले लेते, देखो जेड वाई एक्स, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, पीछे हो रहा है, तो जेड के बाद पहले आता है वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्लू, वी, उसके बाद आता है यू, तो अपना आएगा यू। तो देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे बी है, तो ये बी नहीं आएगा, तो अपना आंसर रहेगा ए। तो जितने लोग ने आंसर ए दिया था, देखो अब तीसरा जर्नी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना आंसर आ गया है। देखना तो देखो, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह दो पंद्रह, देखो नंबर से भी आ गए 15, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर ए है, ठीक है। तो जितने लोग आंसर सी आ रहा था, आप चेक करो आपने कहाँ मिस्टेक किया है, ज़्यादातर लोगों ने सी आंसर दिया था, ठीक है। सी आंसर देने के बाद डिलीट भी कर रहे हो, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, देखो हम लोग गलतियों से सीखते हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, चलेगा इतना, ठीक है, आप सीखने आए हो, तो जब तक मिस्टेक नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। अब मिस्टेक करो तो आपको याद आएगा हमने ये मिस्टेक किया, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हुआ था, अल्फ़ाबेट काउंटिंग मिस्टेक हुआ था, जो भी है, सब इतनी सारी चीज़ें होती रहेंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ए आंसर आया, किसी को प्रॉब्लम है कि कैसे आया, नो ना, चलो नेक्स्ट ये ले लो, चलो एकदम बड़ा कर दिया, ठीक है, अब तो सबको दिख जाना चाहिए, चलो बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा नंबरिंग में गलती हुई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार मिस्टेक मत करना, इस बार भी नंबरिंग ही करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादातर 80% क्वेश्चन जो है नंबरिंग से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो नंबरिंग आपको स्पीड होना चाहिए, बाकी तो आ ही जाएगा आंसर। ये किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया भाई, इजी वाले कहाँ गए सब, सर थोड़ा लेवल बढ़ा दो, तो लेवल बढ़ा दिया भाई, अब आंसर दो। नो वन, एटलीस्ट वन आंसर तो कोई,
नगमा का ए आंसर आ रहा है. ओके आमिर सी ए सी. फिर देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आना शुरू हो गए. ठीक है हमें ही चेक करना पड़ेगा भाई. देखो जेड के बाद आ रहा है के, तो अगर नंबरिंग आप करोगे तो ये होता है 26 और ये होता है, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं, ये 26 और ये होता है 11. कितने गैप हो रहा है, कितने गैप हो रहा है, माइनस करोगे आप तो 26 में से 11 करोगे तो 15. तो ये अगर लॉजिक अप्लाई करोगे तो आ रहा है आंसर क्या, नहीं आ रहा है. ठीक है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. ठीक है फिर क्या हो सकता है, फिर जेड वाई, देखो वाई जेड और क्यू आर. ठीक है डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके बाद जे के बी और सी दिख रहा है, डायरेक्ट नंबर दिया है. नेक्स्ट अल्फाबेट ओ पी वी डब्ल्यू, रिवर्स जाओ उल्टा जाओ. इस तरह का पैटर्न कहाँ पे फॉलो हो रहा है, चारों में देखो आप, नंबर का डिफरेंस है. और क्या रहा भाई लॉजिक दे रहे हो, मैथ्स का भी यूट्यूब पे क्लास होगा क्या, हाँ कल मैथ्स का ही है अपना, कल 9 बजे आ जाओ आप लोग, तो आमिर सर जो हमारे मैथ्स के लेंगे. ठीक है हाँ अपोजिट बोल सकते, बी का अपोजिट है वो, 6 का डिफरेंस आ रहा है. ओके जे के अपोजिट, जे के अपोजिट क्यू तो कहाँ पे बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो जी एच, देखो उल्टा हो रहा है वो नहीं आएगा, तो ये हो गया खत्म. जे आई ये भी नहीं आ रहा है, डी ई और के एल ये हो रहा है अपना, इसके अकॉर्डिंग अपना ये बैठ रहा है, क्योंकि देखो ये जे के पास आई उल्टा हो रहा है, आई के पास जे आता है, जे के पास आई नहीं आता है. ठीक है उसके बाद एफ के बाद जी होता है, तो ये भी नहीं आएगा, सी आंसर होना चाहिए अपना. ये इस तरह का पैटर्न सिर्फ सी में फॉलो हो रहा है. देखो यहां से जाना आपको सेकंड वाला, वाई के पास जेड आता है, क्यू के पास आर आता है. ठीक है यहां पे देख रहे हो तो एच के बाद आई होना चाहिए, तो यहां पे जी दे दिया है उल्टा दे दिया, ये खत्म हो गया. जे के बाद के होना चाहिए लेकिन आई दे दिया, ये खत्म हो गया. तो आंसर सी आएगा भाई, जितने लोग भी बी दे रहे ए दे रहे सबका गलत है. ठीक है कुछ प्रॉब्लम किसी को, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था, डिफिकल्ट जो बोलते हैं ना, इसमें आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ऑप्शन भी थोड़ा सा उन लोगों ने अलग से तरीके से दे दिया था. तो यहाँ पे जो डिफरेंस था ये अप्लाई नहीं हुआ है. ठीक है ये नहीं अप्लाई हुआ है, यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ये आपको ध्यान देना है. ठीक है तो ऑप्शन में देखो जो आप बोल रहे हो ना कि 11 का डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन मिलना भी तो चाहिए डिफरेंस. ठीक है लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक क्या लग रहा है वो देखना पड़ेगा. ठीक है अगर हम नंबर काउंट करते हैं तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस हाँ आ रहा है. ठीक है लेकिन सब में आ रहा है क्या वो देखना पड़ेगा आपको, तो सी में हो रहा है ना फॉलो वो, हाँ वो भी तरीका सही है, 6 का डिफरेंस आ रहा है लेकिन डिफरेंस कैसे आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा आपको, हाँ ऐसे आ रहा है कि ऐसे आ रहा है. तो आपको ये याद रखना है कि ये जो अल्फाबेट है ये वाला इससे पहले बाद वाला, फिर ये वाला इसके बाद वाला, ऐसे जाना है आपको. आई होप क्लियर हो गया होगा. सर हम नंबर काउंट कर रहे 6 का डिफरेंस आ रहा, हाँ 6 का डिफरेंस तो आ ही रहा है, देखो कैसे रहेगा 5 ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 11 ये भी बोल सकते हो. ठीक है चलो नेक्स्ट ले ले, ये देखो बच्चों लोग का सवाल है तो
कि फटाक से आंसर दो, तो बहुत इजी बता दिया फिर भी। चलो इसका आंसर बताओ। ट्वेंटी एट लाइव आ चुके भाई, और ज़्यादा शेयर किया करो यार, कम से कम 50 तो आओ, 50। आईपीएल चल रहा भाई, 50-50 तो कम से कम मारने दो। चलो सेंचुरी तो चलो दूर हो जाता है, 7:30 बजे, 7:30 से 11:30 चलता है। वाली लाइव कम आ रहे भाई, आईपीएल वगैरह देख रहे क्या सब लोग? हाँ बॉयज़ की क्वांटिटी तो बहुत कम है, कम ही लोग आ रहे। हाँ आईपीएल वगैरह छोड़ दो भाई, आईपीएल हर साल होता है, एग्ज़ाम हर साल नहीं होगा, ठीक है? आईपीएल हर साल होता है, कोई जीते हारे अपने कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, हाईलाइट देख लिया करो सुबह में जाके, सब पता चल जाता है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल अटेंडेंस बढ़ाओ, सी आ रहा सबका, आना ही भी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया था, देखो एम का होता है 13, ठीक है, एम का होता है 13 और एन का होता है 14, बीच में मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ख़त्म। एफ का होता है 6 आ गया और आर का होता है 18, ठीक है? अब आर का 18 याद कैसे रखोगे? राइट टू वोट, कोई भी चीज़ का अपना राइट जो होता है वो कब मिलता है? ज़्यादातर 18 ईयर्स पे मिलता है ना, तो R का अल्फाबेट नंबर होता है 18, ऐसे याद रखो, ठीक है? कैसे याद रखोगे R का? कि कोई भी राइट अपने को 18 साल पे ही मिलता है ऑलमोस्ट, इधर राइट टू वोट, राइट टू बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है? सो R फॉर 18 ये याद रखो, व्हाट इट, ठीक है? तो IPL वगैरह तो चलते रहेगा, हर साल आएगा, एक बार जॉब ले लो जाके स्टेडियम बैठ के देखना भाई। चलो नेक्स्ट ये लो, कुछ अल्फाबेट का नंबर्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा, ठीक है? सब लोग आंसर सी दिए थे, आंसर सी सबका सही है। और चलो इसका आंसर बताओ, नेक्स्ट क्लस्टर क्या आएगा, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा? दिव्यांग बच्चों के लिए 18 साल मुफ्त पढ़ाई, अच्छा और क्या मिल जाता है 18 साल बताओ, दिव्यांग बच्चों के लिए 18 साल तक, ठीक है अच्छी बात है, मिलना राइट टू वोट, पहले वही बोला मैं, राइट टू वोट ही, ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है उसमें। शादी की उम्र अभी 18 साल थी, अब 21 साल हो गई है, चेंज हो गया, गर्ल्स का 18 था, गर्ल्स का 21 हो गया अभी, बॉयज का बढ़ गया और दोनों बराबर हो गया। ओके चलो इसके आंसर बताओ, टी एस एफ आर पी जे पी एम एन एन जे आर नेक्स्ट, ये भी है सर, हाँ हाँ ये भी है, कौन आंसर देगा भाई जल्दी बताओ, नो वन भाई क्या हो गया, इतना डिफिकल्ट पूछ लिया क्या? देखो टी होता है, टी का होता है 18, सॉरी 20 होता है, आर का होता है 18,
प्रिंस 16 साल का था और एन 14। देखो 20, 18, 16, 14, 12, और 12 मतलब एल होता है। एल शेर को देखते ही 12 बज गया, ऐसा याद करो। एल 12, तो एल आएगा तो देखो अपना ऑप्शन ए खत्म हो गया और बी भी खत्म हो गया। एल तो एल आना चाहिए, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। देखो एल के बाद जी है, यहाँ भी जी है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। तीसरा चेक करो, तीसरा एफ 6, उसके बाद जे होता है 10, 14, 18। देखो 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 4, 4 का गैप आ रहा है इसके अंदर। कितने का गैप आ रहा है? 4 का, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 22 मतलब क्या होता है? V, तो ये हो गया V, तो L, G, V, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ठीक है, D आंसर करें, L, G, B। V कैसे याद रखो? V का 22 होता है ना, V का 22 होता है, 22 का मतलब होता है V मतलब हम, ये वाला V याद रखो, V हम दो, हमारे दो, ठीक है, 22 V मतलब हम दो, हमारे दो, तो आंसर इज D, L G B। तो देखते किसका आंसर आ रहा है। नाजनीन ने ए दिया था, अब सैयद कादिर सी, नाजनीन ए, ऑप्शन चेंज कर दिए फिर भी आंसर नहीं आया। जावेद ने दिया डी, एल जी बी, जुबैर भाई ने आंसर दिया डी, फातिमा डी, महवीन डी, तो ऑलमोस्ट सबने आंसर बाद में सही देना स्टार्ट किया, शुरू में थोड़ा सा। विक्टोरिया 22 से क्या लेना देना भाई? विक्टोरिया 22 क्या होता है? हम तो हमारे तो चलो ठीक है, विक्टोरिया 22 महविन, हाँ डी आएगा आंसर, तो ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन देखो, मैंने जो क्वेश्चंस लिया है आपका सब जंबल क्वेश्चंस ले लिया है, जो ऑलमोस्ट कहीं न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो देखो गवर्नमेंट जो रहती है जो एग्जाम्स उन लोग कंडक्ट कराते हैं, तो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं नए क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम करने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठा के कोई एग्जाम क्वेश्चन कोई में डाल देते हैं, कोई एग्जाम क्वेश्चन कोई में डाल देते, ये उनका पैटर्न होता है। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया, तो वहाँ से वहाँ ऐसे चलते रहता है उनका, ठीक है। तो ये एसएससी वगैरह क्वेश्चंस था, कुछ रेलवे के क्वेश्चन थे, कुछ आपका टैट जो हमारे 17 में हुआ था वो मैं ले लिया, ठीक है। तो सबका आंसर सही आया था, सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेशन स्टॉप करते हैं। तो आपको फिर से बता दूँ कि हमारा जो पूरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें जरूर ज्वाइन करो। उसमें आपको 3 महीने के अंदर सारे सिलेबस पढ़ा के दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सारे सिलेबस अच्छे से पूरा एग्जाम तक हम लोग रिवीजन वगैरह कराएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको कुछ मैसेज वगैरह कुछ बात करना है, सर ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, थोड़ी मुश्किल होगा, हाँ थोड़ा मुश्किल होगा। आप जो मैंने ट्रिक वगैरह बताया है शुरू में स्टार्टिंग में, वो आप ध्यान दीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या उससे रिलेटेड कुछ बातें करना है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 8999000002, ठीक है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सर ये क्लास हम लोग चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे चलाएंगे, ठीक है ना। तो कल मैथ्स का लेक्चर रहेगा, आमिर सर लेंगे, कल 9 बजे आ जाइए सब लोग, ठीक है। तो ये फ्री क्लास है, तो डोंट मिस इट। और व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी आपके जो है टेट के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबको अच्छे से शेयर करो, जो लाइव ज़रा लाइव आने की कोशिश करने बोलो, फ्री में पढ़ लो। फिर अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, मैं तो सजेशन दूंगा कर ही लो सब लोग, 1 मई से पूरा फुल सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं 9 बजे, बी प्रेजेंट ऑन टाइम, ओके, टेक केयर।